गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे गाइस, मैं हूँ कार्तिक और आज हम लेके आए एक नया ब्लॉग। तो ये ब्लॉग में कुछ ऐसा होने वाला है कि मैंने पहला गणपति का ब्लॉग किया था तो वहाँ धारावी का था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रतीक्षा नगर में। तो प्रतीक्षा नगर में कुछ बड़ा बड़ा गणपति रहता था पहला, बट अभी नहीं मालूम। तो अभी वही एक्सप्लोर करने जा रहे, तो देखते हैं ये बार क्या है। तो गाइस, मैं कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ गणपति का सीरीज़ बनाया जाए और वो सीरीज़ में लालबाग, दादर, माटुंगा वैसे अलग अलग तरह के जगह पे जाके कुछ गणपति जैसा बनाते तो वहाँ पे जाके दिखाऊंगा। तो ट्राई करता हूँ, मैं मेरा बेस्ट ट्राई करूँगा, बट अपने पास तो गाड़ी तो नहीं है, गाड़ी अलाउड नहीं है, तो चल के जाने का ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो लालबाग जाने का ट्राई करूँगा, तो तभी तक देखते रहना। तो अभी दिखाता हूँ मैं प्रतीक्षा नगर, तो हम लोग चल के जा रहे हैं अभी, तो देखते हैं चलो। फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पे प्रतीक्षा नगर पे, जहाँ पे गणपति बनता है। तो दिखाता हूँ मैं यहाँ के गणपति, एक्सप्लोर करता हूँ। तो आपने देखा कि कितना सुंदर सुंदर मूर्ति अंदर है। तो वो दुकान के ओनर है गणपति के, तो उनको पूछते हैं कि कैसा किए ये सब डेकोरेट वगैरह। तो नमस्कार, मी देवता कला केंद्राचे आहेत।
आम्ही लोकांसाठी आता नवीन आकर्षित मूर्ती आणलेले आहेत, जे डायमंड्स वगैरे पोशाख वगैरे आहेत असे, कारण सध्या कोरोनाचं संसर्गाचा प्रतिसाद चालू आहे, लॉकडाऊन आहे, त्याच्यामुळे लोकांना आता मंडळांना व लोकांना मोठ्या मूर्त्या बसवू शकत नाही आणि सोशल डिस्टन्सच्या नियमानुसार हे सर्व चाललं, त्यामुळे आपलं उत्सव तर आपण साजरा करायचा आहे, उत्सव तर कुठे बंद करू शकत नाही, म्हणून आम्ही लोकांसाठी असा प्रयत्न केला की डेकोरेशन तुम्ही जे खर्च होतो त्याच्यापेक्षा आपण ज्या मूर्त्या आणलेल्या आहेत त्याला पण पूर्ण सजावटच करून आणलेलं, फक्त तुम्ही नेऊन घरी बसून हे होऊ शकतं, म्हणजे सण मोडायचा नाही पण सण साजरा करायचा, जसा साजरा करायचा आपण तसाच साजरा करायचा, पण ह्या टायमाला सोशल डिस्टन्स ठेवून साजरा करायचा आणि व्यवस्थित करायचा, म्हणजे ह्याची कोणालाही हानिकारक होणार नाही अशा पद्धतीने करायचा, म्हणून आमचा प्रयत्न हा चाललेला आहे की नाराज म्हणजे एक प्रकारे म्हणतात की सोशल डिस्टन्स काय आहे, सण कशा पद्धतीने साजरा करावा अशी परिस्थिती आहे, पण आम्ही आमचा असा कॉन्सेप्ट आहे की नाराज होऊ नका, तुम्ही तुमच्या घरातच विसर्जन करू शकता किंवा बाहेर कृत्रिम तलाव बनवून विसर्जन करू शकता, त्या हिशोबाने आम्ही त्या मूर्तींचे वगैरे आम्ही हे केलेलं आहे, तर आमचं म्हणणं आहे की जल्लोष करा, घरी करा, व्यवस्थित करा, आनंदात करा, सण तर साजरा झालाच पाहिजे, ते पण थाटामाटात घरी ताटात झाला पाहिजे। चला मग एकदा होऊन जाऊ द्या, गणपती बाप्पा बोलिया, मंगल मूर्ती बोलिया। तो जैसे कि आपने देखा लोगों में अभी भी उत्साह है, होप है, जोश है, जज्बात है, तो ऐसे ही होप्स मत हारना और लगे रहना ऐसे, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाते रहूँगा और बनाते रहूँगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और मैं ये वीडियो के लिए 100 लाइक्स का होप्स रखता हूँ, तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो चलो किधर ऊपर।